एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे, लक्ष्मी जी का व्रत है आज। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और घर का सारा काम भी निपटा दिया है। बस ये कुछ बर्तन वगैरह थे उसे साफ कर दिया है। वैसे कल रात को मैं सारे बर्तन वगैरह साफ करके रखा था, घर के बहुत सारे काम निपटा दिया था। सुबह हस्बैंड के लिए नींबू पानी चाय वगैरह बनाई थी। आज तो मैं चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीऊँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है। पूजा ख़त्म होने के बाद जो भी खाना पीना होगा तो सिर्फ हस्बैंड के लिए बना दिया था, तो उसका बर्तन वगैरह निकल गए थे। तो बहुत सारे बर्तन को मैं साफ करके रख दूँगी। घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। वैसे कल से तो मैं बहुत सारे काम निपटा दिया था, बस थोड़ा ही काम बाकी था। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं बाकी सारा काम भी निपटा दिया है और सवाल लेके आ गई हूँ। अभी पूजा के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। आज 15 अगस्त है। सुबह सुबह हस्बैंड ऑफिस निकल गए हैं। वो जब तक आएंगे तब तक मेरा पूजा वगैरह भी ख़त्म हो गया होगा। तो मैं जल्दी जल्दी भोग बना देती हूँ, उसके बाद पूजा भी बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगी। वैसे सुबह सुबह हस्बैंड पूजा के लिए जो सारे चीज़ें चाहिए वो सारे रख कर गए हैं, जैसे आम की डाली, केले की पत्ते, फूल वगैरह सब कुछ रख कर गए हैं। बहुत सारे काम मुझे करना नहीं पड़ेगा तो बहुत जल्दी मेरा पूजा भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम अगर मैं करती तो थोड़ा सा टाइम और लग जाता। इसीलिए जितनी जल्दी भोग बन जाए उतनी ही जल्दी मैं पूजा भी ख़त्म कर लूँगी। तो चलिए पहले मैं ये भोग वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद पूजा भी शुरू करती हूँ। बहुत बारिश की वजह से ये जो गमला है ना, इसके नीचे पानी जमा हो गया था, तो ये जो प्लांट लगा था इसमें इसका रूट खराब हो गया है पूरी तरह से। मुझे कल पता चला जब ये प्लांट पूरी तरह से मुरझा गया ना, तो मैं नीचे चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से नीचे से गल गया है। तो मैं आज ये प्लांट को बाहर निकल रही हूँ और नीचे से इसका रूट को कटिंग कर लूँगी और इसके बाकी जो ब्रांचेस हैं उसको भी कटिंग करके मैं फिर से लगा दूंगी, क्योंकि ये जो प्लांट था ना ये भी मैं कटिंग से ही लगाई थी तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था, फूल भी बहुत सारे आए थे। पता नहीं मुझे कैसे पता नहीं चला इसके नीचे पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया। इस गमले के नीचे जो होल था ना वो थोड़ा सा ब्लॉक हो गया था, इस वजह से पानी बहुत सारा जमा हो गया, अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाया। इस वजह से ये प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो इसका ब्रांचेस को मैं अच्छे से कटिंग कर लिया है, जो पत्ते थे इसको भी हटा दिया है क्योंकि ये सारे पत्ते ना पीले हो गए थे। तो मैं फिर से ये सारे ब्रांचेस को कटिंग कर लूँगी और एक दो दिन के लिए मैं इसे हवा लगने दूंगी, क्योंकि तुरंत कटिंग करने के बाद अगर हम इसे मिट्टी में फिर से लगा देंगे तो ये नीचे से फिर से गल जाएगा, तो तुरंत नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए मैं एक दो दिन के लिए ये सारे कटिंग को बाहर रख दूंगी। और ये जो मिट्टी थे ना मैं इसको इसी गमले में फिर से रख रही हूँ, क्योंकि अभी तो बारिश की वजह से धूप बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर धूप आता तो मैं ये मिट्टी को अच्छे से ड्राई कर लेती, लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं दोबारा इसे इसी गमले में रख रही हूँ और दो तीन दिन के बाद मैं ये सारे कटिंग को इस गमले में लगा दूंगी तो ये अच्छे से हो जाएगा। कोई भी पौधा थोड़ा सा खराब होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और आज भी मेरा मन थोड़ा सा उदास है ये पौधे की वजह से।
मेरे घर में पेंट का काम चल रहा था तो ये वॉल स्टिकर को मैं वॉल से हटा दिया था, और पेंट करने के बाद ना ये स्टिकर को फिर से वॉल में चिपकाना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका ग्लू ना वॉल में रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं तो इसे वेस्ट भी नहीं कर सकती थी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैं थोड़ा सा पेंट कर दिया है, और ये स्टिकर को अभी मैं उसके ऊपर चिपका रही हूँ। और बिलीव कीजिए गाइज, ये पहले से और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसका फाइनल लुक ना मैं आप सबको अभी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ना, पहले से और भी अच्छा दिख रहा है। अभी इवनिंग का टाइम है, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है और मेरा दिया बाती भी ख़त्म हो गया है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा मखाने को अभी फ्राई कर रही हूँ। तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक, रेड चिल्ली का पाउडर डाल दिया है और ये मखाने को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है, तो अभी हम इसे खा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अदरक वाली चाय भी बनाऊँगी, तो इस वेदर में अदरक वाली चाय तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे आज मेरा फास्ट था तो सुबह में चाय वगैरह नहीं पिया था, तो अभी मैं थोड़ा सा चाय अच्छे से बना रही हूँ और इसे हम पियेंगे। उसके बाद मेरा अभी डिनर का तैयारियाँ चल रहा है, तो आटा में गूंथ के रख दिया है। तो आज तो मैं ये सारे खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए साबूदाना भिगो कर रखा है उसे खा लूंगी। तो ये पनीर की सब्जी और रोटी मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा चिली पनीर बना दिया है। उसके बाद रोटी भी बना दूंगी। तो चिल्ली पनीर बनाने के बाद मैं सारी रोटियों को भी सेक लिया है, क्योंकि रोटी मेकर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये सारे रोटियां बनाने में। तो सारे कुकिंग ख़त्म होने के बाद मैं किचन काउंटर टब को थोड़ा सा साफ़ कर लिया है, और जो बर्तन वगैरह निकले थे उन्हें भी साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि डिनर करने के बाद ना ये सारे काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो मैं पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद डिनर करती हूँ।